स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हमारा। तो जो मेनली आज हमारा लेक्चर में ऑब्जेक्टिव रहेगा वो क्या रहेगा, लास्ट फेज ऑफ दी सेंट्रीफ्यूगल टर्बाइन को पढ़ना, जो हमारे पास लास्ट कुछ चीजें बची हुई सेंट्रीफ्यूगल टर्बाइन की विद रिस्पेक्ट टू थ्योरी। न्यूमेरिकल का पोर्शन हम बाद में देखेंगे, सारा का सारा कंबाइंड न्यूमेरिकल एक साथ देखेंगे। तो अब जो हमारे पास रह गया है वो क्या क्या रह गया, देखो हमारे पास मॉडल टेस्टिंग बची हुई है कि क्या क्या किस तरह से मॉडल टेस्टिंग वगैरह करते हैं, और कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ दी सेंट्रीफ्यूगल टर्बाइन। तो स्टार्ट करते हैं मॉडल टेस्टिंग से। तो लास्ट टाइम जब हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट देखा था तो उसमें हमने डायमेंशन एनालिसिस और मॉडल लॉस के बारे में पढ़ा था। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो या पहला जो चीज हमें समझ में आनी चाहिए वो ये समझ में आनी चाहिए कि हम एक्चुअली मॉडलिंग करते क्यों हैं, किसी भी चीज की मॉडलिंग क्यों करते हैं। देखो होता क्या है, फील्ड में हम जाएंगे तो हमारे पास जो मशीन होगी वो क्या है, काफी ज्यादा बड़ी बनेगी। सिविल इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली बात कर रहा हूँ, जो फील्ड में जो मशीन बनेगी या फील्ड में जो स्ट्रक्चर बनता है वो काफी बड़ा बनेगा, और उसकी जो कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन होगी वो भी काफी ज्यादा होगी। और उसके बाद अगर वो फेल कर जाता है, उसके बाद उसमें डिजाइन फेलियर आता है, किसी भी तरीके का फेलियर आता है, तो पॉसिबल नहीं है कि हम उसे क्या करें, रीडिजाइन कर सके। हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से तोड़ के क्या करना पड़ेगा, दोबारा से स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा हमें। तो मेन हमारे पास मॉडलिंग का जो कारण रहता है या मॉडलिंग हम क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव वो रहता है, वो यही रहता है कि हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल रेप्लिका बनाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर की या किसी भी मशीन की, उस पर टेस्टिंग करते हैं वेरियस कंडीशंस पे, और देखते हैं कि वो किस किस स्ट्रेसेस को, किस किस लोड को और किन किन पैरामीटर्स पे वो जो मेरी मशीन है या जो स्ट्रक्चर है वो सेफ है। तो सेम अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का देखेंगे तो हम क्या करेंगे, इंडस्ट्री के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप बनाने से पहले या फिर जो हमारा बड़ा पंपिंग सिस्टम होंगे उसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप लगाने से पहले हम क्या करेंगे, उसका एक स्मॉल स्केल रेप्लिका बनाएंगे। जिस स्मॉल स्केल रेप्लिका को हम क्या कहते हैं, मॉडल। क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल रेप्लिका को मॉडल। जो हमारे पास एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, जो एक्चुअल पंप होगा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप कहते हैं। ये सब हम पहले कवर कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में बताऊं। तो हम मॉडल और प्रोटोटाइप हमें पता है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोटोटाइप का एक स्मॉल स्केल रेप्लिका बनाते हैं, उस पर सारी टेस्टिंग करते हैं, डिफरेंट स्पीड पे, डिफरेंट डिस्चार्ज पे, और भी कई सारी चीजें कि ये वाला पंप अगर ऐसा होगा तो कितने हेड तक वाटर जा सकता है, किस डिस्चार्ज तक ये पानी को पास करा सकता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, मॉडलिंग कहलाती है, या फिर हम दूसरा नाम उसको क्या दे सकते हैं, मॉडल टेस्टिंग कह सकते हैं। तो लास्ट टाइम जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा था तो हमने क्या देखा था, ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी होती है, डायनेमिक सिमिलैरिटीज होती है, ठीक है। इसी तरह कैसे हमारे पास क्या होते हैं, ज्योमेट्रिक, डायनेमिक, काइनेमेटिक सिमिलैरिटी, तीन तरीके की सिमिलैरिटीज हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी। तो उनके बेसिस पे हम क्या देखते थे, मॉडल और प्रोटोटाइप की फंक्शनिंग को। पहले हम क्या करते थे, इन तीनों को सेम करते थे मॉडल और प्रोटोटाइप में, उसके बाद हम क्या करते थे, अपने मॉडल की टेस्टिंग करते थे। सिमिलरली अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा जो मॉडल बने सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में, तो हम क्या करते हैं, इसमें चार तरीके की कंडीशंस लगाते हैं, ठीक है। तो अब पहले हम बेसिक चीज देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बिफोर मैन्युफैक्चरिंग द लार्ज साइज पंप। लार्ज साइज पंप को बनाने से पहले क्या करते हैं हम, देयर मॉडल विच आर इन कंप्लीट सिमिलैरिटी, क्या वर्ड आ गया यहाँ पे, विच आर इन कंप्लीट सिमिलैरिटी विद द एक्चुअल पंप्स आर मेड। हम क्या करते हैं, छोटा मॉडल बनाते हैं जो क्या होगा, कंप्लीट सिमिलैरिटी के होगा। तो कंप्लीट सिमिलैरिटी बिटवीन द मॉडल एंड द एक्चुअल पंप एग्जिस्ट इफ, क्या एग्जिस्ट करती है, ये चार कंडीशन हमें फॉलो करनी होती है। कौन कौन सी कंडीशन है, स्पेसिफिक स्पीड की कंडीशन होती है कि दैट इज स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द मॉडल शुड बी इक्वल टू स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप और मॉडल की दोनों की स्पेसिफिक स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लास्ट वीडियो लेक्चर को अगर देखोगे तो मैंने बताया था स्पेसिफिक स्पीड क्या होती है, ऐसी स्पीड होती है जो कि किसी ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप की होगी, जब उसे क्या करना होगा, 1 मीटर से पानी को राइज कराना होगा, और जो डिस्चार्ज हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 m³/s। तो उस समय जो हमारी ज्योमेट्रिकल सिमिलर पंप की स्पीड होगी, दैट स्पीड इज नोन एज स्पेसिफिक स्पीड। मैंने कहा भी था डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप को कंपेयर करने के काम में आती है हमारी स्पेसिफिक स्पीड। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ मॉडल टेस्टिंग से पहले हमें बनाना होता है मॉडल एंड प्रोटोटाइप के बीच, वो क्या होता है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ बोथ दी टर्बाइन्स, बोथ दी मॉडल, बोथ मीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप क्या करनी चाहिए, सेम करनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हमारे पास देखो स्पेसिफिक स्पीड का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, एन टाइम्स अंडर रूट क्यू होल डिवाइड बाय एच एम होल रेस्ट पावर 3/4। एच एम मैंने बोला था क्या होता है, एच एम इज मैनोमेट्रिक हेड। यहाँ पे देखो जो बाहर सबस्क्रिप्ट में लिखा है पूरे ब्रैकेट में, एम मीन्स मॉडल एंड हेयर पी मीन्स प्रोटोटाइप, ठीक है। तो मॉडल और प्रोटोटाइप की स्पेसिफिक स्पीड बराबर होनी चाहिए। सिमिलरली हमारे पास एक और कंडीशन होती है टेंजेंशियल वेलोसिटी कंडीशन। देखो इसमें नो डाउट टेंजेंशियल वेलोसिटी का टर्म नहीं आ रहा, पर ये ड्राइव फॉर्म है उसकी, क्या फॉर्म है, ड्राइव फॉर्म है, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि रेशियो ऑफ हेड डिवाइड बाय एन स्क्वायर डी स्क्वायर ऑफ द मॉडल शुड बी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ हेड डिवाइड बाय एन स्क्वायर डी स्क्वायर ऑफ द प्रोटोटाइप। ये दोनों रेशियो क्या होनी चाहिए, मॉडल एंड प्रोटोटाइप में क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए।
एच हमें पता है, एच इज योर मैनोमेट्रिक हेड, एन इज योर आरपीएम स्पीड ऑफ द इम्पेलर, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप था वो कितनी, उसका जो इम्पेलर है वो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, दैट इज डिनोटेड बाय एन. एंड लास्ट इज डी, डी इज द डायमीटर ऑफ द इम्पेलर, डी इज द डायमीटर ऑफ द इम्पेलर. नेक्स्ट मूव करते हैं. सिमिलरली एक और रेशियो है हमारे पास, थर्ड रेशियो. थर्ड रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ डिस्चार्ज डिवाइड बाय एन टाइम्स डी की पावर क्यूब ऑफ द मॉडल शुड बी इक्वल टू डिस्चार्ज डिवाइड बाय एन टाइम्स डी क्यूब पावर थ्री ऑफ द प्रोटोटाइप. ये दोनों भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए. इन इस इक्वेशन में भी जो टर्म आ रही है वो सारी हमें पता है. लास्ट हमारे पास क्या होता है, पावर रूल, या फिर पावर ऑफ द पंप, दोनों में पावर ऑफ द मॉडल एंड पावर ऑफ द प्रोटोटाइप शुड बी इक्वल होनी चाहिए. तो वो क्या है हमारे पास, पावर डिवाइड बाय एन की पावर थ्री डी की पावर फाइव ऑफ द मॉडल शुड बी इक्वल टू पावर ऑफ द पावर डिवाइड बाय एन की पावर थ्री डी की पावर फाइव ऑफ द प्रोटोटाइप, ये बराबर होनी चाहिए. देखो अगर प्योरली न्यूमेरिकल पर्पज से देखना है तो न्यूमेरिकल पर्पज से हमारे पास कुछ नहीं होगा. ये होगा कि कहीं पे क्वेश्चन गिवन होगा, उसमें बोल रखा होगा कि ये चीजें हमारे प्रोटोटाइप की हैं, ये चीजें मॉडल की हैं, उसमें से कोई एक चीज पूछ रखी होगी. तो हमें क्या करना होता है, इन चार इक्वेशंस का यूज करके वो जो अननोन क्वांटिटी है वो निकालनी है. जैसे अगर मान लो क्या हो सकता है, वो उसने बोला हो कि डायमीटर ऑफ द प्रोटोटाइप हमें पता है. यहाँ पे हम मान लेते हैं, एग्जाम्पल डिस्कस कर ले, डायमीटर ऑफ द प्रोटोटाइप पता है, हेड विच इज डिलीवर्ड बाई द प्रोटोटाइप हमें पता है, हमें पता है कि स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द प्रोटोटाइप कितनी है, या फिर नॉर्मल स्पीड ऑफ द प्रोटोटाइप कितनी है. ठीक है, सिमिलरली उसने अदर क्वांटिटीज हमें क्या दे दी, अदर क्वांटिटीज हमें दे दी कि हेड रिक्वायर्ड, हेड डिलीवर्ड बाय द मॉडल भी हमें पता है, और जो इम्पेलर स्पीड ऑफ द मॉडल होगी वो भी पता है. तो इसके अलावा उसने क्वेश्चन पूछा कि कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द इम्पेलर दैट शुड बी कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉडल, मॉडल का कितना डायमीटर होना चाहिए. तो कैसे निकाल सकते हैं, हमें क्या वैल्यू निकालनी है, डीएम निकालना है. तो डायरेक्टली देखो हम इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं. अगर एक बार इसको रब करके मैं दिखाऊंगा तो इस इक्वेशन का कैसे यूज कर सकते हैं हम. देखो इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, हमारे पास जो हमारे पास टर्म थी, हमें एच ये नोन था, ये वाला एच नोन था, दोनों मॉडल एंड प्रोटोटाइप का हेड नोन था, प्रोटोटाइप का हमें स्पेसिफिक स्पीड या सॉरी स्पीड ऑफ द इम्पेलर पता थी, डायमीटर ऑफ द प्रोटोटाइप पता था हमें, हमें क्या था इम्पेलर की स्पीड इन केस ऑफ मॉडल पता थी, लास्ट में कौन सी क्वांटिटी रह गई, केवल डायमीटर ऑफ द मॉडल रह गया. तो ये हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं. जरूरी नहीं है एक ही इक्वेशन लगा के सॉल्व हो जाए, हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री और फोर्थ वन कैन बी यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. अब देखो नेक्स्ट मैंने क्या बोला, ये हमारे पास बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फील्ड के रिस्पेक्ट में. फील्ड के रिस्पेक्ट में कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं ये समझो, कि हमारे पास होता क्या है एक्चुअली, एक जो कोई भी देखो, एक जो सेंट्रिफ्यूगल पंप होगा हमारे पास क्या होगा, किसी एक स्पेसिफिक स्पीड और किसी एक डिस्चार्ज के लिए क्या करता होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी देखता होगा. हमने देखे ना अभी बहुत सारी चीजें देखी कि कितना डायमीटर होना चाहिए, मिनिमम डायमीटर कितना होना चाहिए, एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए. अब जब वो हमने कहा था कि रेडियल एंट्री करेगा तो ही वर्क डन बाय द इंपेलर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये सारी चीजें हम पहले देख चुके हैं. तो अब इसके बाद हमें ये पता पड़ता है कि किसी एक स्पेसिफिक स्पीड और या किसी एक स्पीड ऑफ द इंपेलर और किसी एक ही डायमीटर के लिए क्या होता है, पंप की मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है. उसके अलावा जैसे ही पैरामीटर हमारे पास चेंज होंगे तो होता क्या है कि अब वो अपनी एफिशिएंसी से क्या कर जाता है, डेविएट कर जाता है, चेंज हो जाती है. तो देखो फील्ड में जरूरी नहीं है कि जब हम जहां पे सेंट्रिफ्यूगल पंप को लगाएंगे वहां पे उसे वही एन जनरेट करना पड़े या वहां पे उसे वही डायमीटर मिले या वहां पे उसे वही डिस्चार्ज मिले. हो सकता है डिस्चार्ज क्या हो जाए, चेंज हो जाए. मान लो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम एफिशिएंसी देता था 100 मीटर क्यूब पर सेकंड पे, पर जो हमें फील्ड में डिस्चार्ज चाहिए मान लो 90 मीटर क्यूब पर सेकंड का ऑब्जेक्टिव है, या कभी डिस्चार्ज कम या ज्यादा हो रहा है डिलीवर करते समय, लॉसेस बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एफिशिएंसी कम हो जाएगी. तो अब वो चीज हमें क्या होना है, बहुत केयरफुली ध्यान देनी होती है जब हम अपना सेंट्रीफ्यूगल पंप को चूज करते हैं. ये सारी जो चूज करने की चीजें हैं, देखो ये बहुत टीडियस टास्क होता है, बहुत टफ टास्क होता है. तो इसके लिए हम एक्चुअली क्या ड्रॉ करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करते हैं. एक बार देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होते हैं. डेफिनेशन में लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स, क्यों हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाते हैं. देखो क्या लिखा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप रनिंग विद डिजाइन कंडीशन. डिजाइन कंडीशन मतलब क्या है, डिजाइन डिस्चार्ज, डिजाइन डायमीटर ऑफ द इंपेलर, और ये क्या होगा हमारे पास, डिजाइन आरपीएम ऑफ द इंपेलर प्रोवाइड द मैक्सिमम एफिशिएंसी. जब वो डिजाइन कंडीशन पे होगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोवाइड करेगा. सेकंड चीज क्या लिखी है, व्हेन पंप्स रन एट डिफरेंट कंडीशन, या कंडीशन डिफरेंट देन द डिजाइन कंडीशन, परफॉर्मेंस डिफरेंटली मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी चेंज हो जाती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी नहीं देता वो अपनी. नेक्स्ट क्या लिखा है, अब इस सारी चीजों को प्रिडिक्ट करने, देखो टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ द पंप अंडर वेरिंग कंडीशन ऑफ स्पीड, हेड एंड डिस्चार्ज, यही मैंने बोला, और पावर.
जब हमारी स्पीड चेंज होगी, हेड चेंज होगा, डिस्चार्ज चेंज होगी और पावर चेंज होगी, तो क्या करते हैं हम, टेस्ट आर यूजुअली कंडक्टेड, बहुत सारे टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं ताकि पंप का बिहेवियर पता कर सके हम कि जब चीजें चेंज हो रही है। अब देखो क्या होता है, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक कर्व, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स एक्चुअली में क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप आर डिफाइंड एज दोस कर्व्स, ऐसे कर्व विच आर प्लॉटेड फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ नंबर ऑफ टेस्ट ऑन द सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। जब बहुत सारे हम टेस्ट करते हैं उनके हिसाब से जब हम कर्व बनाते हैं, दोस कर्व्स आर नोन एज कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व भी कहते हैं। परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ऑफ द पंप आर दो तरीके के होते हैं हमारे पास, मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स एंड ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होते हैं, तीन तरीके के होते हैं। अभी देखो एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर दी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स एंड व्हाट आर दी मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। देखो हमारे पास क्या होता है, हेड वर्सेस डिस्चार्ज, एफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज और इनपुट वर्सेस डिस्चार्ज, ये तीन तरीके के होते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं। अब इसमें हो क्या रहा है, हमारे पास हमने ये मान लिया है कि हमको फील्ड में इतना डिस्चार्ज चाहिए, हमको क्या चाहिए मान लो, या फिर हम क्या करें डिस्चार्ज वेरी करा रहे हैं। मान लो एक बार पाइप में, इसे ऐसे समझते हैं कि हम क्या करें डिस्चार्ज, डिफरेंट डिफरेंट डिस्चार्ज को वेरी करा रहे हैं, तो उस समय जो हमें हेड जो मिल रहा होगा हमारे पंप के द्वारा वो क्या हो रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट हेड मिल रहा होगा, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर हेड मिल रहा होगा। सिमिलरली एफिशिएंसी भी वेरी कर रही होगी और जो इनपुट पावर रिक्वायर्ड होगी, जितनी पंप को इनपुट पावर चाहिए वो भी क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। तो ये सारे कर्व्स हमारे पास क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। ध्यान रखना जब हम कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स पढ़ते हैं तो एन हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। जो एन होता है हमारे पास क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। जो मतलब स्पीड ऑफ द इंपेलर ब्लेड होती है वो क्या होती है, कॉन्स्टेंट रखी जाती है इन सारे कर्व्स में। देखो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को समझने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल जो तीन ग्राफ थे इंडिविजुअली समझेंगे इनको। पहले हम क्या समझेंगे, इंडिविजुअली, उसके बाद क्या करेंगे, इन तीनों का एक कंबाइन ग्राफ बनाएंगे कि एक्चुअली कैसे फील्ड में यूज होते हैं हमारे पास। तो जब हम इंडिविजुअली देखते हैं तो हम क्या डिफाइन करते हैं, दो तरीके के हेड को डिफाइन करते हैं। देखो हमने क्या किया, एक ग्राफ प्लॉट किया जिसकी वाई एक्सेस में मैनोमेट्रिक हेड ले लिया और इसकी एक्स एक्सेस में क्या ले लिया, दिस इज योर डिस्चार्ज, ये मैक्सिमम डिस्चार्ज का पॉइंट है, अभी डिस्कस करते हैं। और इस एक्सेस में क्या डिनोट किया गया, डिस्चार्ज को डिनोट किया गया। तो हमारे पास क्या है, दो तरीके के हेड हम डिफाइन करते हैं। पहले हम समझते हैं व्हाट इज योर शट ऑफ हेड, क्या होता है हमारे पास शट ऑफ हेड क्या होता है। देखो होता क्या है, हमारे पास इस तरह से इंपेलर लगा हुआ है, ठीक है, ये रफ डायग्राम है। यहाँ पे कहीं पे हमारे पास क्या हो रहा है, सक्शन पाइप आगे कनेक्ट हो रही है, ये हमारे पास क्या है डिलीवरी पाइप है। डिलीवरी पाइप में यहाँ पे क्या होगा, कुछ वॉल्व कनेक्टेड होगा, होता है एक प्रेशर वॉल्व कनेक्टेड होता है या फिर एक क्लोजिंग वॉल्व कनेक्टेड होता है। हम क्या करते हैं, जब अपना इंपेलर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, इस वॉल्व को क्लोज रखते हैं। क्या रखते हैं, इस वॉल्व को हमेशा क्लोज रखते हैं, थोड़ी देर तक क्लोज रखते हैं। तो जैसे ही हमारा इंपेलर घूमना स्टार्ट होगा और वो वाटर को इधर पहुंचा रहा होगा, ठीक है, और वॉल्व अगर क्लोज होगा तो हमारे को जो प्रेशर ऑब्टेन होगा इस पॉइंट पे वो क्या होगा, मैक्सिमम प्रेशर होगा। यहाँ पे जो गेज लगा था प्रेशर गेज वो क्या करेगा, मैक्सिमम प्रेशर डिनोट करेगा। क्यों, क्योंकि वाटर बाहर निकलना चाह रहा है पर हमारा वॉल्व क्या है उस समय क्लोज है, इसीलिए हमने इस हेड का जो नाम रखा है वो क्या रखा है, शट ऑफ हेड रखा है। शट ऑफ हेड मीन्स जो हमारे डिलीवरी पाइप का वॉल्व है उसे हमने क्या कर रखा है, क्लोज कर रखा है कंप्लीटली। तो शट ऑफ हेड है हमारे पास। तो अब देखो शट ऑफ हेड के टाइम पे हमने क्या देखा, इस पॉइंट पे अगर हम डिस्चार्ज देखेंगे तो कितना होगा, जीरो डिस्चार्ज होगा, कोई डिस्चार्ज नहीं मिलेगा हमें। तो मतलब जो डिस्चार्ज मिलेगा वो क्या होगा, मिनिमम डिस्चार्ज मिलेगा, दैट इज जीरो। देखो इस एक्सिस में जीरो डिस्चार्ज हम प्लॉट करेंगे और जो हेड मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एच मैक्सिमम, मैक्सिमम हेड ऑब्टेन करेंगे। तो हमने क्या इस पॉइंट को क्या दे दिया, शट ऑफ हेड का नाम दे दिया। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, शट ऑफ हेड का नाम दे दिया, ठीक है। अब सिमिलरली हमारे पास एक और हेड होता है, वो क्या होता है, फ्री फ्लो हेड होता है। क्या होता है, फ्री फ्लो हेड। फ्री फ्लो हेड को हम ऐसे समझते हैं कि जो नेट हेड है या एचएम की वैल्यू है वो कितनी हो गई है, जीरो हो गई है। जो एचएम की वैल्यू है वो कितनी हो गई है, जीरो हो गई। मतलब जो मैनोमेट्रिक हेड है, जो पानी को काम कर रहा था वो कितना हो गया, जीरो हो गया। तो अगर वो जीरो हो गया तो उस समय वाटर क्या करेगा, फ्रीली फ्लो करेगा, हमारा इंपेलर पूरी स्पीड से मूव करेगा और जितनी वो वर्क दे रहा होगा, जितना वो प्रोवाइड कर रहा होगा पावर हमारे वाटर को, वाटर उसी पावर से क्या हो जाएगा, बाहर को निकल जाएगा सारा का सारा। तो उस समय जो हमारे पास हेड ऑब्टेन होगा वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि रिक्वायर्ड हेड कितना है हमारे पास, जीरो है। ये थ्योरेटिकल कंडीशन है, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। अब जो हमारे पास डिस्चार्ज होगा उस समय क्या होगा, मैक्सिमम डिस्चार्ज होगा। उस पॉइंट को देखो हम कहाँ प्लॉट कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्चार्ज का पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो हमारे मैनोमेट्रिक हेड की वैल्यू कितनी है, जीरो है। कितनी वैल्यू है मैनोमेट्रिक हेड की, जीरो। अब देखो इन दोनों ही ग्राफ से या इन दोनों ही पॉइंट से अब हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं इन दोनों पॉइंट को क्या इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक कर्व लाइन से इस तरह से कनेक्ट कर लेते हैं। अब देखो ये क्या हुआ, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड ग्राफ भी है और साथ में इसे समझाया भी जा सकता है, एक्सप्लेन किया जाता है, पर वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम ये देख लेते हैं कि एक टाइम तक तो डिस्चार्ज बढ़ाने तक हेड क्या रहता है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहता है हमारे पास। देखो यहाँ तक कॉन्स्टेंट है, उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आता है हेड क्या हो जाता है, डिक्रीज करने लग जाता है।
और एक पॉइंट पे आके हेड हम क्या मानते हैं जीरो हो जाएगा, जहां पे डिस्चार्ज ऑब्टेन किया जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम देखते हैं शट ऑफ हेड के टाइम पे, शट ऑफ हेड के टाइम पे हमने क्या कहा ये वाला टर्म, देखो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है हमारे पास, ओवरऑल एफिशिएंसी होती है कि जो आउटपुट पे हमें वाटर की वजह से पावर मिली डिवाइड बाय जो हमारा जो शाफ्ट था वो इंपेलर को कितनी पावर दे रहा है, दैट इज शाफ्ट पावर। वो किससे डिनोट किए, पी से डिनोट किए। देखो ओवरऑल एफिशिएंसी का अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं रो क्यू एच एम होल डिवाइड बाय पावर। अब देखो पावर के इस वाले केस में, ओवरऑल के केस में जब शट ऑफ हेड की हम बात करते हैं तो हमने अभी कंडीशन पढ़ी जो हमारे पास डिस्चार्ज होता है वो कितना होता है जीरो होता है। ये जीरो हो गया तो ये पूरी टर्म क्या होगी जीरो होगी। इसका मतलब जब शट ऑफ हेड होगा, शट ऑफ हेड के टाइम पे हमारे पास एफिशिएंसी कितनी होगी ओवरऑल जीरो होगी। तो ये पॉइंट करस्पॉन्ड कर रहा था, इसी के सिमिलर हम नीचे ग्राफ बना देते हैं तो ये रहा वो पॉइंट, समझ में आ रहा है, जहां पे हमारी ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो गई, सॉरी वाला पॉइंट, यहाँ पे जो ओवरऑल एफिशिएंसी वो क्या होगी हमारे पास जीरो हो गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री फ्लो हेड के टाइम पे, फॉर्मूला सेम रहेगा हमारे पास ओवरऑल एफिशिएंसी का। अब देखो इस केस में हमारे पास मैनोमेट्रिक हेड जीरो हो गया, ये कितना हो गया जीरो हो गया हमारे पास। तो अगर हम ये देखेंगे तो दोबारा से टर्म क्या हो गई जीरो हो गई। तो अगर ये टर्म हमारे पास जीरो हो जाती है तो इसका मतलब क्या, अगर हम इस तरह से मूव करते हैं, ये मैक्सिमम डिस्चार्ज का पॉइंट था, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे भी हमारे पास एफिशिएंसी कितनी होगी जीरो होगी। तो हम क्या करते हैं इसको भी एक कर्व लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं। हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम डिस्चार्ज को बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जो एफिशिएंसी है वो क्या करती जा रही है, ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ रही है। एक पॉइंट आएगा जहां पे वो क्या कर लेगी मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑब्टेन कर लेगा हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसके बाद अगर हम डिस्चार्ज को बढ़ाते हैं तो हमारी एफिशिएंसी क्या करेगी फॉल बिलो हो जाएगी, दोबारा से कम होने लगेगी। तो देखो थर्ड केस था हमारे पास, एक और केस था इनपुट पावर वर्सेस डिस्चार्ज। सिंपल ग्राफ है इनपुट पावर वर्सेस डिस्चार्ज का, होता क्या अगर पावर में देखना चाहूं वाटर की कितनी हो जाएगी गामा क्यू इंटू एच, अगर देखना चाहूं तो यहाँ पे दूसरे तरीके का एच आएगा, मैनोमेट्रिक हेड नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर हम पावर देखना चाहूंगा तो जैसे जैसे डिस्चार्ज बढ़ाते जा रहा हूँ वैसे वैसे मेरी पावर क्या करती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब देखो स्टार्टिंग के पॉइंट में एक लैग है कि डिस्चार्ज बढ़ाने से पहले ही पावर क्या है कुछ यहाँ तक पहुंच चुकी है। कैसे, देखो होता क्या, मैंने क्या बताया था, जैसे ही हम, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे हम क्या करते हैं वॉल्व हमेशा क्लोज रखते हैं, तो हम जब अपनी इनपुट, ये पी कौन सी पावर शो कर रहा है, इनपुट पावर को शो कर रहा है, तो हम जब अपनी शाफ्ट को ओपन करते हैं तो कुछ देर तक हमारा डिलीवरी पॉइंट पे कोई डिस्चार्ज ऑब्टेन नहीं होता है। तो वो ये डिस्टेंस या फिर वो ये लाइन शो कर रहा है, ये डिस्टेंस क्या है, ये जो गैप है वो शो कर रहा है। उसके बाद क्या होता है जैसे जैसे हम डिस्चार्ज बढ़ाते जाते हैं, या ये समझ लो जैसे जैसे हम पावर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा डिस्चार्ज क्या होता है आउटपुट पे बढ़ता जाता है। दिस इज मोनोटोनसली इंक्रीजिंग ग्राफ होता है हमारे पास पी बाई क्यू का। तो ये तीन ग्राफ हो गए, होपफुली सबको समझ में आ गए होंगे, मैनोमेट्रिक हेड वर्सेस डिस्चार्ज का ग्राफ, ओवरऑल एफिशिएंसी वर्सेस डिस्चार्ज का ग्राफ, एंड थर्ड वन इज पावर वर्सेस डिस्चार्ज का ग्राफ। अब देखो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे खत्म नहीं होता, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स का जो ऑब्जेक्टिव है, मैंने क्या बोला हम बहुत सारे ग्राफ बनाते हैं, तो हम एक्चुअली क्या करते हैं इन तीनों ग्राफ को क्लब करके एक साथ कंबाइन करके देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुए, एक तरफ से कंबाइन करे हुए ग्राफ है। तो ये वाली जो लाइन है रेड कलर से जो शो कर रही है वो किसको डिनोट कर रही है, हेड को डिनोट कर रही है। ठीक है, पीछे जाके दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हो। ये वाली जो लाइन है इस तरह से जो डोम शेप बना रही है वो किसको शो कर रही है, एफिशिएंसी के ग्राफ को शो कर रही है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी को शो कर रही है। और जो थर्ड लाइन हमारे पास मोनोटोनसली इंक्रीजिंग फंक्शन है वो किसको शो कर रहा है, पावर को शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट यहाँ पे जो हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी जो डिनोट किया था, हम क्या करते हैं उसके साथ लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमें हेड मिलेगा वो क्या मिलता है, दैट हेड इज नोन एज डिजाइन हेड। वो हेड कौन सा कहलाता है, डिजाइन हेड कहलाता है। इसके करस्पॉन्डिंग जो हमें डिस्चार्ज मिलता है वो क्या मिलता है, डिजाइन डिस्चार्ज मिलता है। कितना डिस्चार्ज मिलता है, डिजाइन डिस्चार्ज। और सिमिलरली इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर मिलेगी, यहाँ पे जो पावर मिल रही है दैट इज योर डिजायर्ड पावर। इतनी ही पावर हम अपने जो बाहर से शाफ्ट से लगा हुआ, हम चाहते हैं कि हमारा जो शाफ्ट है इतनी ही पावर क्या करे, इंपेलर को प्रोवाइड करे। ये तीन ऑब्जेक्टिव हो गए। पर मैंने क्या बोला, फील्ड में जब हम जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि ये सारे पैरामीटर सेट होते हैं। तो हो क्या सकता है, देखो फील्ड में अगर हम जाने की बात करेंगे, फील्ड का केस एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, फील्ड के केस में हो क्या हो सकता है कि हमारे पास, देखो हो सकता है कि मान लो जैसे हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास डिस्चार्ज का, या फिर जो हमारे पास मान लो एफिशिएंसी का केस आएगा, या फिर जो डिस्चार्ज हमें चाहिए और जो हमें सॉरी हेड चाहिए, मान लो इतना चाहिए इस लाइन के करस्पॉन्डिंग चाहिए, मतलब कितना, इतना हेड चाहिए और इतना डिस्चार्ज चाहिए। देखो ये फिक्स होगा कि यहाँ से किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक मुझे पहुंचाना है और कितना डिस्चार्ज चाहिए। देखो इसके हिसाब से हम क्या चेक कर लेंगे कि हमारा पंप कितनी एफिशिएंसी देने वाला है। ठीक है, और इसी हिसाब से हम क्या चेक कर लेंगे, हमारा जो पावर है वो कितनी देने वाला है। ठीक है, या पावर रिक्वायर्ड कितनी होगी, तो उसी के हिसाब से हम अपनी मोटर चूज करेंगे और कितनी एफिशिएंसी देने वाला है उसके हिसाब से हम देख लेंगे हमारा पंप
क्या हमारा कॉस्ट बेनिफिट भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि हेड तो इतना चाहिए और डिस्चार्ज इतना कम चाहिए और पता पड़ा जो पावर निकल के आई या जो एफिशिएंसी निकल के आई वो इतनी कम निकल के आई, मिनिमम एफिशिएंसी की बात हो रही है, बहुत कम एफिशिएंसी आ गई, तो उस केस में हम क्या करेंगे, दूसरा पंप यूज करेंगे। अपना दूसरा पंप यूज करेंगे उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स ड्रा होंगे, उससे चूज करके हम क्या कर सकते हैं दोबारा से देख सकते हैं। ये होपफुली सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे पास हमने दो तरीके के कर्व बोले थे, कैरेक्टरिस्टिक कर्व, सेकंड कर्व जो हमारा फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व, सेकंड जो होता है हमारे पास क्या होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। देखो मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स क्या होते हैं, हम क्या करते हैं अलग अलग क्या करते हैं अलग अलग पैरामीटर को स्पीड के साथ रखते हैं। ये देखो डिजाइन करते समय काम में आता है, जब हम अपना इंपेलर को डिजाइन कर रहे तो हम क्या करते हैं अलग अलग पैरामीटर, जैसे पावर का पैरामीटर, मैनोमेट्रिक हेड का पैरामीटर, डिस्चार्ज का पैरामीटर, विद रिस्पेक्ट टू क्या देखते हैं स्पीड देखते हैं। अब देखो ये सारे फॉर्मूले, ये जो रिलेशन है, जैसे ये किसका ग्राफ बना हुआ है, ये जो वाली लाइन है दिस इज फॉर डिस्चार्ज, ये किसका है डिस्चार्ज वर्सेस एन का। ठीक है, ये किसके केस में रिस्पेक्ट में मैनोमेट्रिक हेड कांस्टेंट रखा गया, इन ग्राफ्स को तभी हम क्या कहते हैं कांस्टेंट हेड या कांस्टेंट डिस्चार्ज भी कहते हैं। या तो कहीं पे हेड कांस्टेंट होगा या कहीं पे डिस्चार्ज कांस्टेंट होगा, हो सकता है कहीं पे दोनों भी कांस्टेंट हो, अभी चेक करते हैं। देखो होता क्या है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आरपीएम ऑफ द इंपेलर। ये फॉर्मूले कहां से आए, ये फॉर्मूले सारे के सारे हम यहां से ड्राइव कर सकते हैं। यहां से अगर हम देखेंगे तो इनमें से किसी रिलेशन पे बन रहा होगा। देखो अगर मैं डायमीटर कांस्टेंट मान लूंगा, यहां पे मान लो डायमीटर कांस्टेंट है दोनों ही केस में, तो क्या निकल के आएगा डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू एन, क्या निकल के आएगा डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू एन। हमारे पास डिस्चार्ज किसके प्रोपोर्शनल हो गया एन के, यही हमने बनाया, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है तो स्ट्रेट लाइन बन गई। अगर अब हम देखना चाहते हैं किसका ग्राफ देखना चाहते हैं, हम मैनोमेट्रिक हेड का ग्राफ देखना चाहते हैं। मैनोमेट्रिक हेड जो होता है वो क्या होता है, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, एन स्क्वायर होगा, क्या होगा एन स्क्वायर होगा। ठीक है, पैराबोलिक कर्व आता है, तो मैनोमेट्रिक हेड इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। अब इस केस में जो हमारा डिस्चार्ज होता है हम क्या करते हैं डिस्चार्ज कांस्टेंट मानते हैं, स्पीड को वेरी कराते हैं डिस्चार्ज पर कांस्टेंट मानते हैं, हेड को भी वेरी कराते हैं। थर्ड कर्व जो हमारे पास होता है मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व में, वो क्या होता है पावर का, पावर वर्सेस आरपीएम स्पीड। तो पावर क्या होती है रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन की पावर 3। ठीक है, इस केस में हमारे डिस्चार्ज और हेड दोनों ही क्या रहता है कांस्टेंट रहता है। देखो ये कर्व भी उसी के लिए यूज होता है कि अलग अलग स्पीड के लिए क्या चीज हमें कहां पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये फॉर्मूले भी हम यहीं से देख सकते हैं, ये फॉर्मूले भी यहां से ड्राइव हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इस केस में अगर हम ये मान के चले कि हमारे पास क्या है डायमीटर क्या रहेगा सेम रहेगा, ऑब्वियसली डायमीटर एक बार इंपेलर फिट कर दिया तो डायमीटर क्या रहेगा सेम रहेगा। अलग अलग एन की स्पीड अगर मैं वेरी कराऊंगा तो देखो क्या दिखेगा तुम्हें, पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पावर किसके प्रोपोर्शनल होगी एन की पावर 3 के प्रोपोर्शनल होगी, पावर किसके प्रोपोर्शनल होगी। सिमिलरली तुम क्या कर सकते हो हेड के केस में भी निकाल सकते हो कि हेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो दीज 3 ग्राफ्स आर एक ही में क्लब करके बनाए, ये तीनों ग्राफ हमारे पास क्या करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स होते हैं। ये क्लियर है सबको, कैरेक्टरिस्टिक कर्व का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मतलब थ्योरी लिखने को आती है वैसे ज्यादा नहीं आता, पर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लैब्स में भी हम जनरली यही ग्राफ ड्रॉ कराते हैं, लैब्स में हमारा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम बार बार अपने पंप को चलाएं, बार बार कभी स्पीड वेरी कराएंगे, कभी क्या करेंगे डिस्चार्ज वेरी कराएंगे, चीजों को कॉन्स्टेंट रख के देखेंगे, कोशिश करेंगे जो हमारे पास पंप है वो यही ग्राफ ड्रॉ करा रहा है कि नहीं करा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इज प्राइमिंग ऑफ द पंप। देखो स्टार्टिंग में ही जब वर्किंग का जब वीडियो दिखाया था मैंने, वर्किंग के वीडियो में हमने क्या देखा था पंप हमेशा क्या कराता है प्राइम कराया जाता है। प्राइम क्यों कराया जाता है या प्राइमिंग होती क्या, एक्चुअली प्राइमिंग का मतलब होता है हम क्या करते हैं अपने सेंट्रीफ्यूगल पंप के इंपेलर को क्या करते हैं पानी में हमेशा डुबा के रखते हैं, कभी एयर में नहीं छोड़ते हैं उसको। उसका कारण क्या है, उसके दो कारण है, एक तो एयर ब्लॉक या एयर बबल्स या एयर लॉक नहीं होना चाहिए कभी भी हमारा पंप। घर पे सुना होगा कि पंप में क्या हो गई एयर आ गई, तो हम बाहर से एक्सटर्नल पानी डालते हैं अपने इंपेलर में, अगर ध्यान दोगे घर में तो कभी, तो वो क्या होता है वो जो पानी हम एक्स्ट्रा बाहर से ऐड करते हैं दैट इज योर प्राइमिंग। तो घर के छोटे पंप से अगर हम बड़े पंप की तरफ देखें तो क्या होता है एयर लॉक हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है, हमने क्या देखा था हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इट इज बेस्ड अपॉन दी कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इट इज बेस्ड अपॉन दी फोर्स वोर्टेक्स फ्लो। तो हमने हमें पता है फोर्स वोर्टेक्स फ्लो की अगर डेरिवेशन चेक करोगे दोबारा से तो फोर्स वोर्टेक्स फ्लो में होता क्या है कि जो राइज इन दी प्रेशर होता है या फिर जो गेन इन दी प्रेशर होता है प्रेशर हेड वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो डेंसिटी ऑफ दी फ्लूइड जो लिक्विड होगा उसकी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है हमेशा ही। तो जो इंपेलर के कॉन्टेक्ट में जो भी लिक्विड होगी उसकी डेंसिटी होगी। देखो अगर एयर है हमारे पास मान लो, देखो यहाँ पे देखते हैं हम दोबारा से, अगर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखो फर्स्ट स्टेप हमेशा हम क्या करते हैं प्राइमिंग करते हैं। ठीक है, प्राइमिंग का मतलब देखो यहाँ पे समझा रखा है हम कम्प्लीटली उसे क्या करते हैं इस डेफिनेशन पढ़ लेना एक बार, मैंने बता दिया एक बार पढ़ लेना वीडियो रोक के आराम से। तो अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं नेसेसिटी ऑफ द प्राइमिंग, प्राइमिंग की जरूरत क्यों पड़ती है।
वही मैं कह रहा हूँ सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑफ द इंपेलर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या जो हेड जनरेटेड बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड दैट इज इन कॉन्टेक्ट विद इट. इंपेलर के जो भी वाटर कॉन्टेक्ट में होगा उसकी डेंसिटी के ही प्रोपोर्शनल क्या करता है, हेड जनरेट करता है. तो अगर वाटर कॉन्टेक्ट में है तो क्या होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल हेड जनरेट होगा. प्रेजेंस ऑफ एयर ओनली नेग्लिजिबल प्रेशर वुड बी प्रोड्यूस्ड, बहुत कम. और वो प्रेशर क्या है, कभी भी मैनोमेट्रिक हेड से ज्यादा नहीं हो पाता है. तो हम हमेशा क्या करते हैं, हमारा वाटर कॉन्टेक्ट में रहेगा. देखो अगर वाटर कॉन्टेक्ट में रहेगा हमेशा या फिर कोई हेवियर लिक्विड कॉन्टेक्ट में रहेगा तो जो हेड जनरेटेड बाय द इंपेलर होगा वो भी ज्यादा होगा. अगर हेड जनरेटेड ज्यादा होगा तो वो आसानी से क्या हो जाएगा, हमारे पास मैनोमेट्रिक हेड से ऊपर चले जाएगा. वो क्या हो जाएगा, आसानी से मैनोमेट्रिक हेड से ऊपर चल जाएगा. तो यही ऑब्जेक्टिव होता है प्राइमिंग का. ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके डेफिनेशन पढ़ सकते हो, डेफिनेशन लिखी हुई है. अब देखो मेथड होते हैं हमारे पास प्राइमिंग करने के, दो तरीके के मेथड होते हैं. पर वैसे तो दो तरीके के ही होते हैं हमारे पास, स्मॉल पंप के लिए यूज होता है, एक लार्ज पंप के लिए होता है. पर आजकल मॉडर्न जो पंप होते हैं उसमें क्या होता है, सेल्फ प्राइमिंग पंप भी होते हैं. स्मॉल पंप में हम कुछ नहीं करते, हम क्या करते हैं वाटर को एयर को रिमूव कर लेते हैं. वहां पे एक एयर वेंट बना रहता है, उससे हम क्या करते हैं एयर को बाहर निकाल लेते हैं और बाहर से पानी डालना स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने अभी बोला घर के पंपों में करते हैं, हम क्या करते हैं एक वहां पे साइड से एक नॉब होता है उसे खोलते हैं, बाहर से पानी ऐड कर पानी डालते जाते हैं तो बबल्स क्या होते हैं बाहर आने लग जाते हैं. तो वो बबल्स एक प्रकार से क्या है, जो एयर पॉकेट या बन चुकी है, जो एयर लॉक हो चुका है, एयर बाहर आती है, दोबारा से जो हमारा इंपेलर होता है कंप्लीटली सबमर्ज इन द वाटर हो जाता है. पर लार्ज पंप में ऐसा नहीं कर सकते, लार्ज पंप में ऐसा नहीं कि पानी डालना स्टार्ट कर देंगे किसी नॉब से. उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इंपेलर का पूरा सिस्टम होता है, याले केस की बात कर रहा हूँ, जो इंपेलर का पूरा पोर्शन होता है और जो सक्शन पाइप का पोर्शन होता है उसे अलग करते हैं. और उसमें क्या करते हैं, जैसे हमारे पास क्या होते हैं वैक्यूम वगैरह जो एयर को खींचने के काम में आते हैं, स्टीम इजेक्टर्स या एयर पंप्स कहते हैं. हम क्या कहते हैं उनका, एयर पंप्स और स्टीम इजेक्टर्स, उनका यूज करते हैं, उनसे एयर को सक करते हैं और क्या करते हैं लिक्विड को थ्रो करते हैं. ठीक है, दोबारा से क्या करते हैं हम लिक्विड को थ्रो कर देते हैं और लिक्विड दोबारा से भर देते हैं. लास्ट जो हमारे पास नई तरीके के पंप आते हैं एडवांस पंप, वो क्या होते हैं सेल्फ प्राइमिंग पंप्स होते हैं. उसमें क्या होता है, इस तरह का मैकेनिज्म लगा होता है पहले से ही. उसमें अगर वो मैकेनिज्म अगर चलता है तो वो ऑटोमेटिकली उससे एयर बाहर निकल जाती है और क्या होता है हमारा लिक्विड दोबारा से अंदर आता है अगर हम बाहर से सप्लाई कर देते हैं. ठीक है, दीज आर मेथड ऑफ द प्राइमिंग. इसकी कई जगह देखो पूछा जाता है इंटरव्यूज वगैरह में कि प्राइमिंग एक्चुअली में होती क्या है. ठीक है, अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो थ्योरी में भी लिखने को आ जाता है, वैसे भी इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है प्राइमिंग होती ही है, क्या है और करते क्यों है. ये ध्यान रखना हमेशा कि नेसेसिटी ऑफ द प्राइमिंग क्या होती है और फोर्स वोर्टेक्स फ्लो में जो हेड जनरेटेड होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड व्हिच इज इन कॉन्टेक्ट विद द इंपेलर. ओके, तो लेट्स सी, दो चीजें हमारे पास रह गई हैं. एक हमारे पास क्या रहे थे, डिस्चार्ज कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं इंपेलर में. देखो हमने अभी तक अगर हम पाइप की बात करते हैं, अगर नॉर्मल पाइप के बारे में हमने क्या देखा था, हम क्या करते थे एरिया इंटू वेलोसिटी कर देते थे. ठीक है, इंपेलर के केस में भी वही करते हैं हम, एरिया इंटू वेलोसिटी. बस एरिया निकालने का थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है. एरिया निकाल, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ. एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखो ये एक इंपेलर बना हुआ है हमारे पास, सामने से देख रहे हैं हम इस इंपेलर को. तो ये यहाँ से क्या हो रही है, एंट्री हो रही है जो मैंने रेड से शो किया. ठीक है, ये वेन्स की थिकनेस आ गई दोबारा से, तो वेन से होगी नहीं एंट्री, उसके बाद यहाँ से एंट्री हो रही है, फिर ऐसी क्या होगी एंट्री हो जाएगी चारों तरफ से. ठीक है, केवल हम सामने से देख रहे हैं. तो ये वाटर जब ऐसे एंटर करता है तो वो किस वेलोसिटी से एंटर करता है, फ्लो वेलोसिटी से एंटर करता है. किस वेलोसिटी से एंटर करता है, फ्लो वेलोसिटी से एंटर करता है. तो देखो जो नेट एरिया होगा इसमें अगर मैं देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं नेट एरिया देखना चाहता हूँ तो नेट एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ये लेंथ कितनी होगी मेरे पास, ये डी है. तो अगर पूरी जो एंट्री हो रही होगी क्या होगी, अलोंग दी होल पैरामीटर हो रही होगी. तो होल पैरामीटर कितना हो गया, पाई डी हो गया. ठीक है, पैरामीटर कैसे निकालेंगे हम इसका, पाई डी हो गया एक सर्कल का. उसके बाद हम उसमें से क्या माइनस करते हैं, देखो यहाँ से एंट्री नहीं हो सकती. अभी मैंने बोला ब्लेड तो यहाँ पे तो क्या होगा, सॉलिड मेटल लगा हुआ है, तो यहाँ से तो एंट्री हो नहीं सकती. तो ये एरिया हमने माइनस कर दिया n into t. अब t क्या है, t is thickness of the blade, एक ब्लेड की थिकनेस. n क्या है, नंबर ऑफ द ब्लेड. देखो एक ब्लेड दो तीन चार पांच छह, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी. ठीक है, तो जो एरिया जिससे वाटर एंटर करने वाला है उसकी एक प्रकार से हम देखें कितना उसको लेंथ मिलने वाली है, जिस पोर्शन से वो एंट्री करेगा वो कितना लेंथ मिलने वाली है, पाई डी माइनस एन टाइम्स ऑफ द टी. अब होल मल्टीप्लाइड बाय बी वन. बी वन क्या है, एक प्रकार से ये जो थिकनेस है इसकी, जहां से तो देखो ये जो फर्स्ट टर्म है, इतना जो टर्म है वो इट इज डिनोटिंग एरिया. ये क्या डिनोट कर रहा है, एरिया जिससे फ्लो होने वाला है, मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी. जैसे पाइप के केस में हमने किया, डिस्चार्ज निकालने के लिए हम क्या करते हैं एरिया इंटू वेलोसिटी करते हैं, वही चीज हमने यहाँ पे कर दी है. तो यहाँ से हम क्या है डिस्चार्ज निकाल सकते हैं. ठीक है, किसी को डाउट होगा तो एक बार पूछ लेना इस चीज को दोबारा. अब देखो हमारे पास क्या होते हैं, ये सिंपल चीज है, इसको न्यूमेरिकल में ही कवर करेंगे, बस यहाँ पे देख लेते हैं. हम क्या करते हैं मल्टी स्टेजिंग ऑफ द पंप करते हैं. पंप को क्या करते हैं, कई स्टेजों में लगाते हैं.
हो सकता है, देखो क्यों लगाते हैं कई स्टेजों में, देखो एफिशिएंसी ऑफ द पंप मैंने अभी बोला किस पे डिपेंड करती है, हेड पे भी डिपेंड करेगी, डिस्चार्ज पे भी डिपेंड करेगी। ऐसा नहीं कि कितना भी डिस्चार्ज तुम पंप से निकालने की कोशिश करो या कितने भी हेड के लिए, मान लो पंप 10 मीटर 20 मीटर को पानी पहुंचा सकता है, तुमने 50 मीटर के लिए पंप लगा दिया तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी उस पंप की, एफिशिएंसी क्या हो जाएगी उस पंप की, रिड्यूस कर जाएगी हमारे पास ऑटोमेटिकली। तो हम क्या करते हैं एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए, हम क्या करते हैं जब लार्ज रेंज ऑफ फ्लक्चुएशन होती है, मतलब डिस्चार्ज भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करे, या जो हेड भी चाहिए हमें अलग अलग चाहिए, या फिर डिजाइन से ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो हम क्या करते हैं वहां पे मल्टी स्टेज पंप लगाते हैं। मल्टी स्टेजिंग पंप का मतलब क्या होगा, सिमिलर आइडेंटिकल पंप, हम क्या करते हैं सेवरल आइडेंटिकल पंप सीरीज, सीरीज में भी लगा सकते हैं और पैरेलल में लगा सकते हैं। देखो कंसेप्ट सेम है जो हमने पाइप इन सीरीज और पाइप इन पैरेलल का केस पढ़ा था हमने कि हम क्या कर सकते हैं एक पाइप ना यूज करके, अगर कम लेंथ का पाइप है तो हम क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के पाइप को यूज कर लेते हैं। जैसे ये एक पाइप हो गया, उसके साथ में हमने क्या किया था सेकंड पाइप ऐड कर दिया था, फिर क्या है थर्ड पाइप, ऐसी ये क्या हो गया सीरीज पे हो गया था हमारे पास। सिमिलरली हम क्या करते हैं पंप को भी क्या कर सकते हैं सीरीज में लगा सकते हैं और पंप को पैरेलल में भी लगा सकते हैं। अगर देखना चाहे यहाँ पे तो क्या होता है ये इस तरह से, ये जो हमारे पास अरेंजमेंट दिखा रहा है वो क्या कर रहा है एक पंप इन सीरीज दिखा रहा है। पंप इन सीरीज हम कब लगाते हैं जब हमें बहुत ज्यादा हेड चाहिए, मान लो जो हमें क्या चाहिए हेड क्या चाहिए बहुत ज्यादा, मतलब कंटिन्यूसली हमें क्या चाहिए काफी ज्यादा हेड तक पहुंचाना है, तो हमारे एक इंपेलर क्या है वहां तक नहीं पहुंचा पा रहा है। तो हम क्या करते हैं जैसे हमने क्या किया यहाँ पे तीन इंपेलर जोड़ दिए, ठीक है हम क्या करते हैं तीन इंपेलर को जोड़ देते हैं, तो पानी जब यहाँ से एंटर करता है ये फर्स्ट इंपेलर से एंटर करता है तो वो पहला इंपेलर क्या करता है कुछ हेड देता है उसको H1 हेड दे दिया, उसके बाद क्या करता है जब सेकंड इंपेलर पे जाता है तो और हेड मिलता है उसे H2, फिर थर्ड इंपेलर पे जाता है वो क्या करता है और हेड मिलता है, तो टोटल हेड जो हो गया इस सिस्टम का कितना हो गया H1 प्लस H2 प्लस H3, ठीक है। तो यही चीज हमने क्या पाइप के केस में भी देखी थी, तो सेम वही कंसेप्ट है, बस इसमें ध्यान देखना है कि हमने सीरीज के केस में देख क्या देखा था पाइप में डिस्चार्ज सेम रहता है, तो यहाँ पे भी सीरीज के केस में जब सीरीज में होंगे पंप तो डिस्चार्ज क्या रहेगा हमेशा सेम रहेगा। अब सेम अगर हम देखें पंप इन पैरेलल सिस्टम, देखो ये डायग्राम दोबारा से पंप इन पैरेलल सिस्टम में, तो देखो यहाँ पे यहाँ से लेके यहीं तक पहुंचाना है वाटर को हमेशा, हेड देखो जो हेड गेन करना है वाटर को सेम करना है, पर हमें डिस्चार्ज ज्यादा चाहिए, तो हमने क्या किया एक इंपेलर लगाया वो कितना डिस्चार्ज दे रहा था Q1 डिस्चार्ज दे रहा था, फिर उसके आगे दूसरा इंपेलर लगा दिया वो कितना डिस्चार्ज दे रहा था Q2 डिस्चार्ज दे रहा था, तो जो नेट डिस्चार्ज हमें मिल गया इस पाइप में कितना मिल गया Q1 प्लस Q2, मतलब हमने हायर डिस्चार्ज को अटेन कर लिया, वही ऑब्जेक्टिव होता है हमारे पास पैरेलल पंप्स का। अब इसमें जो चीज ध्यान देनी है वो वैसे जैसे पाइप में ध्यान दी थी, क्या ध्यान दी थी कि जो हेड होता है सारे जो हमारे इंपेलर होते हैं वो क्या रहता है सेम हेड के लिए ही काम करते हैं, ठीक है। होपफुली सेंट्रीफ्यूगल पंप का टॉपिक सबको समझ में आया हो, तो दिस इज ऑल अबाउट सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये कंप्लीट हम मैं कह सकता हूँ पैकेज है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, सारी चीजें कवर करने की कोशिश करी है मैंने इसमें, तो बस इसमें जो पोर्शन रह गए वो न्यूमेरिकल पोर्शन रह गए, होपफुली नेक्स्ट जब हम देखेंगे तो उसे न्यूमेरिकल पोर्शन को भी क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, कोशिश करूंगा वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करें, पर एज पर थ्योरी जो हम देखना चाहेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में कंप्लीट थ्योरी है, आप किस अपने किसी भी एग्जाम से रिलेटेड भी देखोगे तो ये क्या है एक कंप्लीट थ्योरी है, इससे बाहर सेंट्रीफ्यूगल पंप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो थैंक यू, मिलते हैं।